अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास फोर्थ टॉपिक है हमारा, जो हमने कल लेसन ख़त्म की उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड इवनिंग प्रेयर के। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, इस पोएम का स्पीकर कौन था। आंसर है ए चाइल्ड इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, वही बच्चा जो दुआ मांग रहा था इसमें वही इसका स्पीकर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डज द स्पीकर ऑफ द पोएम वांट्स टू पे हिज फादर, वो इस पोएम में अपने बाप को क्या देना चाहता था। आंसर है द स्पीकर ऑफ द पोएम वांट्स टू पे हिज ड्यू रिवरेंस टू हिज फादर, वो अपने बाप को बराबर इज्जत देना चाहते थे, उनकी रेस्पेक्ट करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ मेनी ब्रदर्स Does the speaker of the poem have? What does he pray for them? इस poem में इस speaker के कितने भाई थे और वो अपने भाई के लिए क्या चाहता था? Answer है इसका, He has two brothers, वो दो भाई थे। He prays God to preserve them from doing ill evils. उसने इस पोएम में अल्लाह से दुआ की कि खुदाया मेरे भाई को हमेशा गुनाहों से बचाए रख। अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इनोसेंट एंड ग्रेटफुल हार्ट मीन्स, अपने लिए वो ये दुआ कर रहा है कि मुझे इनोसेंट हार्ट चाहिए, तो इनोसेंट हार्ट क्या होता है। आंसर है इसका, एन इनोसेंट एंड ग्रेटफुल हार्ट मीन्स सिनलेस हार्ट, जो गुनाहों के बगैर जो मासूम सा दिल हो उसको हम इनोसेंट हार्ट बोलते हैं। तो ये थे इसके क्वेश्चंस। अल्लाह।